तीसरी बात है, जितना हो सके अगर जहाँ मिल सके वहाँ गऊ के दुग्ध का ही आग्रह रखो। भैंस के दूध से अगर 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा भी देना पड़ता है तो दे दो, लेकिन गाय का दूध ही पियो। गाय का दूध पीला होता है, गाय का घी पीला होता है। गाय का घी पीला क्यों होता है, तुम देखो कि पीली चीज़ महंगी होती है। सरसों भी पीला होता है, महंगा होता है। सोना भी पीला होता है, महंगा होता है। पीली चीज़ महंगी होती है, तो उसके अंदर सुवर्ण युक्त सूर्य किरणों की शक्ति सूर्य मेधा नाड़ी के द्वारा गऊ के घी में आ जाती है। जो गाय का दूध बचपन से पीते हैं उनकी बुद्धि जिंदगी भर चम चम चमकती रहती है। मुझे नहीं पता कि मैंने जिंदगी में 15 दिन भी क्या, 10 दिन भी क्या, 8 दिन भी लगातार भैंस का घी उपयोग किया हो या पिया हो। आप देख सकते हैं, मैं सत्संग में आता हूँ, कोई मेरी पूर्व तैयारी विशेष नहीं होती। आता हूँ, सोचता हूँ क्या बोलूँगा, किस विषय पर बोलूँगा। यहाँ आने से आधा घंटा पहले थोड़ा शांत होता हूँ, मुझे विषय मिल जाता है और गाड़ी ऐसी चल पड़ती है कि शुरू होता है तो 2 घंटे कहाँ पूरे हो जाते, आपको पता नहीं चलता, हमको भी पता नहीं चलता। ये अगर मैं भैंस का दूध पीता, भैंस का घी खाता तो ऐसी मेरी बुद्धि नहीं होती। गुजराती माँ का ये डोबानू दूध पीन बुद्धि बोडोबा जीवी थी जाए। भैंस मतलब डोबू, डोबानू दूध पीन बुद्धि डोबा जीवी थी जाए। तो डोबानू दूध पीवू नहीं। एक भैंस का दूध तो ठीक है, भैंस जो है उसके अंदर आत्मीयता नहीं होती, हृदय नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती और तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होती है। गर्मी अधिक पड़ती है तो भैंस गर्मी नहीं सहन कर सकती और वो पानी में बैठ जाती है, और गाय गर्मी सर्दी सब सह लेती है। गाय बछड़े को देख के दूध देती है और भैंस जो है घास को देख के दूध देती है। जो भैंस का दूध पी के बड़े होते हैं ऐसे भाई भाई लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हुए देखे गए, लेकिन गाय का दूध पीने वाले 4 भाई भी लंबे समय तक संयुक्त कुटुंब में जीवन यापन कर सकते हैं। ये गाय के दूध की महिमा है। बूढ़ा बैल और बूढ़ी गाय गौमूत्र और गोबर से अपना खर्चा भी निकालती है और तुम्हें प्लस में भी ला सकती है, लेकिन वो बात भैंस के उसमें नहीं है। इसलिए अहमदाबाद और कई जगहों में जिनके भैंस के तबेले थे, 30-30 नहीं 50-50 भैंसें थी, उन्होंने सारी भैंसें निकाल दी और सौराष्ट्र में गिर की गायें वो लोग लाए और उन्होंने मुझे कहा कि हम भैंसों में के दूध बेचने में उतना नहीं कमाते थे जितना हम गिर की गाय रखने से कमाते। तो मेरी तो बहुत इच्छा है कि जगह जगह भारत में गौशाला खुले और जहाँ जो लोग रख सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, जिनके पास प्लॉट है, जमीन है, कुछ है और गाय पाल सकते हैं, पैसा है, नौकर चाकर रख सकते हैं, ऐसे लोगों को तो गाय ही पालना चाहिए, रखना चाहिए और बच्चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए। जो डेयरी का दूध होता है उसमें सारा दूध मिक्स हो जाता है, इसलिए वो दूध भी उतना अच्छा नहीं है। गाय का दुग्ध सर्वोत्तम है। गाय जानवर नहीं है, तुलसी पौधा नहीं है, भगवान की मूर्ति पत्थर नहीं है, शिवलिंग या शालिग्राम गोल पत्थर नहीं है और गुरु मनुष्य नहीं है, गंगा सिर्फ नदी नहीं है, ये भगवान के साक्षात विग्रह हैं, इनको नमस्कार करना। Thank you.